नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्र के हिंदी सरिता इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सरिता इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार गोवा में किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में बातचीत की जाएगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रीमती कृष्णी कृष्णा वालके जी, जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा काम कर रही है। गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, इस संस्था की स्थापना बहुत वर्षों से गोवा में हुई है और यह संस्था हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। गोवा में हम देखते हैं कि हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है तथा बहुत सारे लोग इस भाषा का उपयोग भी करते हैं, लेकिन हिंदी का प्रचार और अच्छी तरह से करने के लिए यह विद्यापीठ कार्यरत है। आज हम अध्यक्षा श्रीमती कृष्णी कृष्णा वालके जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिंदी का प्रचार करने के लिए यह विद्यापीठ कौन कौन सा कार्य करता है और हमारे छात्रों को तथा शिक्षकों को किस तरह से योगदान के लिए आगे बढ़ाता है। श्रीमती कृष्णी कृष्णा वालके जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मुझे बताइए कि इस विद्यापीठ की जब स्थापना हुई और आज जो आप कार्य कर रहे हैं, ये सफ़र किस तरह से रहा? गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ जो गोवा में कार्यरत है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसकी स्थापना कब हुई और आज आप अध्यक्ष के रूप में कौन कौन से कार्य कर रही हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं पणजी दूरदर्शन को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हिंदी सरिता के नाम पर हिंदी विद्यापीठ को सर्वप्रथम इधर आने का मौका दिया है, इसलिए उनको साधुवाद देते हुए और करुणा जी को धन्यवाद देते हुए मैं गोवा विद्यापीठ के बारे में, गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ की असल में 1972 में स्थापना हुई और 1974 में उसका पंजीकरण हुआ। उसके पहले का जो इतिहास है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। स्वतंत्र पूर्व काल से 1952 से गोवा में हिंदी प्रचार प्रसार का कार्य हुआ। उस समय गोवा पुर्तगीज शासन के अधीन था और भारत उस समय स्वतंत्र हुआ था, परंतु भारत के स्वतंत्र काल में स्वतंत्रता नेतानी ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन हिंदी भाषा के जरिए चलाया था, क्योंकि भारत बहुभाषी देश है, यहाँ राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, परंतु आंदोलन के समय उन सभी लोगों में सेतु बनने का काम हिंदी भाषा ने किया। इसलिए गांधी जी ने 1925 में जब नेशनल कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके मंच पर से प्रस्ताव पारित किया कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी और उसी अधिवेशन में वो सम्मत भी हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जमनादास बजाज, कन्हैयालाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं ने मिलकर हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में स्थापित की और उसकी
पूरे देश में करीब 25 इकाइयां स्थापित की और उसके द्वारा हिंदी का प्रचार और प्रसार करने का कार्य शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने गोवा, भारत स्वतंत्र होने के बाद 1952 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने गोवा में हिंदी प्रचार प्रसार करने के लिए मडगांव में अपनी शाखा खोली। गोमंतक राष्ट्रभाषा, गोमंतक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हाँ। इसी नाम से यहाँ अपनी शाखा खोली और हिंदी प्रचार और प्रसार का काम पुर्तगीज शासन के पाबंदी के खिलाफ जाकर शुरू किया। बाद में 1962 में स्वतंत्रता के बाद महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुणे, उन्होंने भी यहाँ अपनी शाखा खोली और उन्होंने इन दोनों संस्थाओं ने अपनी अपनी परीक्षाओं का परीक्षाओं की पढ़ाई शुरू की और परीक्षाओं का आयोजन भी किया। उद्देश्य यही था कि हिंदी छात्रों तक पहुंच जाए। बाद में जब अपने गोवा के मुख्यमंत्री दयानंद भाऊ साहेब बांदोडकर जी, उन्होंने ये देखा कि इतना छोटा गोवा, उसमें दो संस्थाएं क्यों काम की, तो उन्होंने उस पर विचार करके इन दोनों संस्थाओं का एकत्रीकरण करके गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ पीठ ऐसा नामकरण किया और वो संस्था तभी से आज तक कार्यरत है। ये संस्था से भी परीक्षाएं ली जाती है, आयोजन किया जाता है। इसकी पहली अध्यक्षा थी पूर्व मुख्यमंत्री शशिकला ताई काकोडकर जी। उनका 1916 में देहांत होने के बाद 1917 से ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व मुझे संभालना पड़ा। तब इसे मैं इस विद्यापीठ में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप 1917 से अध्यक्ष के रूप में इस विद्यापीठ का कार्य देख रही हैं। बताना चाहूँगी कि श्रीमती वालके जी स्वयं हिंदी की पंडित हैं और हिंदी शिक्षिका भी रह चुकी हैं। मैडम, आप हमें बता सकती हैं कि आज इस विद्यापीठ से क्या कार्य छात्रों के लिए होता है? विद्यापीठ को सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान मिलता है और वहाँ से हमें तरह तरह के उपक्रम भी आते हैं, उनके अनुसार हम विविध कार्यक्रम करते हैं। हमारा विद्यापीठ का पहला कार्यक्रम शुरू होता है काव्य संध्या से, वो जुलाई में होता है। उसके बाद अगस्त में हम गोवा के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए देशभक्ति पर समूह गीत स्पर्धाएं आयोजित करते हैं। उसको हमको पूरे स्कूल सहकारी देते हैं। उसके बाद सितंबर में 14 सितंबर का हिंदी दिन हम स्कूलों में जाकर संपन्न करते हैं। उद्देश्य यही है कि छात्रों में हिंदी के प्रति सम्मान निर्माण हो, प्रेम निर्माण हो, रुचि निर्माण हो, इसलिए हम स्कूलों में जाकर करते हैं। और वहाँ हम जिस स्कूल में यह कार्यक्रम हम करते हैं, उस स्कूल की जो ज्येष्ठ हिंदी शिक्षिका होती है, अध्यापिका होती है, उसका हम सम्मान करते हैं। उसी तरह उस स्कूल के जो छात्र 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण, उच्चतर गुणों से उत्तीर्ण हुए हैं,
उनको भी हम पुरस्कार देते हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी ने हिंदी के प्रति जो कुछ कार्य किया उसके बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान होने के लिए वो भी कार्यक्रम हम स्कूलों में ही जाकर करते हैं। और इन कार्यों में हमको सभी स्कूल बहुत सहयोग देते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को हमारे सामने बिठाकर 2-2 घंटे हमको उनके साथ कार्य करने के लिए देते हैं। उसके बाद हम स्कूल और महाविद्यालयों के लिए, उच्च महाविद्यालयों के लिए कथा कथन स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, भाषण स्पर्धा, ऐसी स्पर्धाएँ लेते हैं। वो होने के बाद अगला कार्यक्रम होता है हमारा कार्यशाला का, अध्यापकों के लिए कार्यशाला तथा विद्यार्थियों के लिए भी कार्यशाला हमारी संपन्न होती है। अपने लास्ट गत महीने में विद्यार्थियों के लिए आपने ही कार्यशाला संपन्न की है। बाद में हम 2 दिवसीय संगोष्ठी का कार्यक्रम भी करते हैं। और गोवा के इस साल से हमने गोवा में हिंदी के लिए जो योगदान देते हैं ऐसे साहित्यिक, अध्यापक और प्रचारकों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार पूरा साल भर हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं। इस कार्य के लिए जो भी कार्यक्रम आप प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं छात्रों के लिए आयोजित करते हैं तो उसके लिए आपके साथ साथी बहुत सारे होंगे, आपके विद्यापीठ के जो सदस्य हैं वो भी आपका सहयोग करते होंगे, तो उनके बारे में अगर जानकारी थोड़ी बहुत मिले, यानी जो आपके विद्यापीठ में बहुत सारे सदस्य हैं वो किस तरह से आपकी मदद करते हैं इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल, उनके सहायता से हम विद्यापीठ को आगे बढ़ाते हैं, विद्यापीठ के सभी कार्यक्रम सफलता से पूरे करते हैं। हमारे जो सदस्य हैं वो सदस्य सभी प्रायः अध्यापक तथा प्राध्यापक है हिंदी के। तो यह सदस्यता बनाने के लिए क्या आपको केंद्र से कुछ सूचनाएं मिलती हैं या आप स्वयं बनाते हैं? जैसे आपने कहा जो प्रतियोगिताएं आपको करनी है छात्रों के लिए आयोजित करते हैं तो आपको केंद्र से अनुदान मिलता है, लेकिन इस तरह से और कोई सूचनाएं आपको केंद्र से मिलती होगी कि कैसे कार्य करना है, किसे सदस्य बनाना है, उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी मिले तो अच्छा। केंद्र सरकार सिर्फ अनुदान देता है, जो हम योजनाएं भेजते हैं उसके अनुसार, उनसे हमें कुछ भी सूचनाएं नहीं मिलती। जो कुछ कार्य करना है वो उस प्रांत को अनुसार वो करना चाहिए। उसमें मैंने जो उपक्रम हमें बताए हैं उसमें उन्होंने सिर्फ हमें 2 बार सूचनाएं दी है कि एक मासिक आप निकाल सकते हैं और देवनागरी लिपि में कंप्यूटर का ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो भी हमने शुरू किया, हमारा गोमांचल नाम का त्रैमासिक है और कंप्यूटर का ज्ञान देवनागरी लिपि में हम देते हैं। गोवा में जो अधिवेशन हुआ वह हिंदी भाषा अधिवेशन था। हाँ, सब कुछ हिंदी में ही हो रहा था। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम हिंदी भाषा गोवा जैसे प्रदेश में प्रचार और प्रचार कर रहे हैं तो इसका लाभ हमारे छात्रों को हो सकता है, आगे चलकर कुछ लाभ हो सकता है, आपके अनुसार आपके विचार क्या है इस पर? बिल्कुल, हमें तो यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अभी हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अभी वो अंग्रेजी पढ़ते हैं इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है,
पूरा हमारा जो पूरा शासन है वो अंग्रेजी में व्यवहार करता है, तो पालक बेशक उन्हें अंग्रेजी ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भवितव्य अगर सुचारू रूप से होना है तो अंग्रेजी ही उपयोग में आती है। अगर हमारे शासन ने, केंद्र शासन ने शुरुआत से ही हिंदी का प्रयोग करता तो ये हमारी परिस्थिति नहीं होती। मैडम, आप इस उम्र में भी इतना सारा कार्य कर रही है, हिंदी के प्रति जो प्यार है आपका वह आपके कार्य से दिख रहा है। यहाँ पर मैं बताना भी चाहूँगी कि मैडम वालके जी समाज कार्य भी करती है और अपने समाज कार्य द्वारा हिंदी का प्रचार बहुत कर रही है। एक संदेश हमारे छात्रों के लिए तथा शिक्षकों के लिए कि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए किस तरह से कार्य करना चाहिए। इसके पहले यहाँ हिंदी में जब से मैं गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ की अध्यक्षा के नाते जब से मैंने धुरा संभाली है तब से मुझे कुछ लाभ भी हुए हैं। ऑफकोर्स ये मैं नहीं बता सकती कि मैं मुझे आर्थिक लाभ हुआ है, मुझे आर्थिक लाभ बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं मेरे हिस्से विद्यापीठ को जीवित रहने के लिए मेरा मैं खर्चा करती हूँ। उसी तरह हमारे सदस्य भी सभी बिना वेतन काम करते हैं, कोई भी एक पैसा नहीं लेता है। तो इस विद्यापीठ का अध्यक्ष होने के नाते मुझे बहुत लाभ भी मिले हैं। एक तो मुझे हजारों छात्रों तक संपर्क मैं कर सकी, सैकड़ों अध्यापकों के साथ मेरा नाता जुड़ गया, ये मेरा बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा जो लाभ है वो हिंदी को, जो महात्मा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाते प्रस्थापित करने का जो बिड़ा उठाया था उसके प्रति कुछ ऋण से मुक्त हो जाने के लिए गोवा में हिंदी को प्रस्थापित करने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ। अगर मेरे जीते जी हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी उससे ज़्यादा मुझे और खुशी कोई भी नहीं होगी। यह भी एक लाभ मुझे मिला है कि एक पावन पवित्र राष्ट्रभाषा को प्रस्थापित करने का एक पावन पवित्र काम मैं कर रही हूँ, ये भी एक लाभ मुझे मिला है। उसी तरह देश के बहुत सारे विद्वानों को, हिंदी विद्वानों को मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिला, देश का ही नहीं विदेश के भी विद्वानों को, हिंदी विद्वानों को संपर्क संबंध प्रस्थापित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, उसमें उस भारत के शिष्टमंडल में गोवा के प्रतिनिधि के नाते मेरा समावेश हुआ, वो भी मेरा सौभाग्य है। आंतरिक समाधान, आप जो कुछ कार्य करते हैं ना उससे आंतरिक समाधान मिलता है, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो हिंदी राष्ट्रभाषा हो, चाहे वो और राज्य की या सहकार या किसी भी सांस्कृतिक किसी भी कार्य को जो जो रुचि जिसमें है उसी के अनुसार जब मनुष्य काम करता है तब उसे एक आंतरिक समाधान मिलता है। मुझे ये हिंदी के काम में, सामाजिक कार्य में आंतरिक समाधान मिलता है और वो सबसे बड़ा लाभ है ऐसे मुझे लगता है। अभी बच्चों को संदेश देने का क्या काम है, बच्चों का संदेश ये मैं दे दूंगी कि आप भविष्य में देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री बनेंगे तो उसकी अगर धुरा संभालना है, समर्थता से ये धुरा संभालनी है तो आपको हिंदी का ज्ञान लेना चाहिए। और अभी से अगर आपने हिंदी को प्रस्थापित करने का ठान लिया तो भविष्य में आपके आधार पर, छात्रों के आधार पर, युवा के आधार पर निश्चित ही
भारत की राष्ट्रभाषा जल्दी ही राष्ट्रभाषा बनेगी, यही संदेश मैं सब अपने भावी पीढ़ी को, हमारे भविष्यकालीन पीढ़ी को देना चाहती हूँ। ज़रूर हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बनेगी, मैडम ने आशीर्वाद भी दे दिया है और छात्रों से भी कहा है कि आगे अगर चलकर आपको इस देश की धुरा संभालनी है तो हिंदी भाषा का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और हिंदी भाषा में बोलिए। मैडम, आप आज स्टूडियो में आई और आपके अनुभव यहाँ पर हमें बताए तथा गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ किस तरह से हिंदी भाषा प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है और आप इस उम्र में भी किस तरह से कार्य कर रही है यह हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह से कार्य करते रहे यह भगवान से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.